कन्यादाना पुलिस ने सट्टे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने ऑनलाइन आईपीएल सट्टे की लगाई वाली व खाई वाली करने वाले सट्टेबाजों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से 1,500 रुपये नगद, 2 एंड्रॉयड मोबाइल व अन्य सामग्री जब्त की है। थाना प्रभारी सुरेश शर्मा ने बताया कि बस स्टैंड पर मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि संजीव जैन उर्फ ओपी पुत्र पूरन चंद्र जैन उम्र 45 साल निवासी ग्रामीण बैंक के पास अपने जनरल स्टोर की दुकान पर मोबाइलों से ग्राहकों की आईडी बनाकर आईपीएल क्रिकेट मैचों पर हार जीत का दाव लगाकर ग्राहकों को सट्टा खिलवा रहा है। उक्त सूचना के आधार पर पुलिस ने दबिश दी गई तो आरोपी को आईपीएल मैच पर सट्टा खिलाते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। उसके कब्जे से 1,500 रुपये नगद तथा 2 एंड्रॉयड मोबाइल जिसमें ग्राहकों की आईडी बनी है जिसे जब्त किया गया। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध धारा जुआ एक्ट का अपराध कायम किया गया था तथा आरोपी से अन्य आईपीएल सट्टा खिलाने वालों के संबंध में विस्तृत पूछताछ की जा रही है। जो ये आईपीएल के सट्टे के खिलाफ कार्रवाई की है, क्या कार्रवाई हुई? विगत कई दिनों से सूचना मिल रही थी कि संजीव जैन जो बस स्टैंड पर उसकी जनरल स्टोर की दुकान है खनेदाना में, वो कई दिनों से आईपीएल का सट्टा चला रहा है। कई लोगों के आईडी बनाकर ग्राहकों से आईडी में पैसे डलवा कर आईपीएल के जो मैच हो रहे हैं वो सट्टा चलवा रहा है। कल भी लखनऊ विरुद्ध हैदराबाद के विरुद्ध मैच चल रहा था, उसमें सट्टे की कार्रवाई चला रहा था। वो सूचना के आधार पर दबिश दी गई तो आरोपी संजीव जैन के कब्जे से 1,00,000 रुपये सट्टे के मिले थे, 1,00,500 रुपये और 2 मोबाइल एंड्रॉयड मिले थे जिसमें आईडी बनाकर लोगों से सट्टे चलवाता था। और भी इससे कोई पूछताछ की जा रही है कि और इससे जब पूछताछ की तो रोहित जैन निवासी चनेरी का ज्ञात हुआ था, उसकी आईडी से ये लोग सट्टे में जो पैसे मिलते थे उसको ट्रांसफर करता था, उसके खिलाफ भी कार्रवाई की गई है।